हे एवरीवन, मैं नहा के आ गई हूँ। कपड़े वॉश हो रहे हैं, मशीन लगा रखी, ये कुछ काम से चले गए हैं बाहर। लड्डू को अभी निलाऊंगी। लड्डू ने कल रात में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी थी, मेरा तो जी में चलने लगा था। एक बार नहीं, तीन बार करी थी और बहुत ही ज़्यादा करी थी। और कुछ खा पी नहीं रहा, दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहा। पहले पी लेता था और अभी तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा है। पता नहीं इसका क्या ही होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चलिए मशीन में मैं सरप वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद मैं लड्डू को कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद नहलाऊँगी। जब तक लक्ष्य नहा लेगा, और जब बच्चों की तबीयतों को कुछ हो जाता है ना, तो थोड़ा दिमाग में टेंशन सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। और मैंने कल लड्डू के लिए ये धुल के और इसके लिए सेरेलेक बना रही थी, तो आप लोग देख सकते हो। ये अभी तक बाहर रख रही हूँ, तो बाहर कबूतर आ रहे हैं, इसलिए मैंने अंदर ही रख दिया। थोड़ी थोड़ी धूप लगा के फिर अंदर ही फैन में सुखा के, और फिर इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, और भूनने के बाद इसको फिर मैं मिक्सी में पीसूंगी छान के, और फिर मैं डब्बे में पैक करके रख दूंगी एयर टाइट कंटेनर में। फिर इसके लिए सेरेलेक हो जाएगा रेडी। चलिए फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. सुन रहे हो? आ गए, मैं आवाज लगा रही थी। कड़ी कड़ी वो कर दो। आ गया, अभी लड्डू नहाया नहीं है, इसने कल से कुछ नहीं खाया। चलो इसको इसको मैं कुछ खाना खिलाती हूँ। ओ बिठाल कैसे लिया यार तुमने? गांव में ऐसे ही देते। कैजी जी, कैजी जी, टांग चोट जाएगी उसकी, टांग चोट जाएगी उसकी। लाओ यार इसको, चलो चलो चल। कड़ी कड़ी तो हमारे घर बन रही है आज कड़ी, तो ये कड़ी को चलाएंगे यार, जल्दी चलो लड्डू खाना। लड्डू यार उल्टियां कर रहा है यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, भैया आ चुके हैं घर से होली मना के, और चाय पी रहे हैं। और अभी ये गुड़गांव शायद शिफ्ट होने वाले हैं, कंफर्म अभी हम कह नहीं सकते। और लड्डू हमारा कैसे देख रहा है? हाँ देखो देखो कैसे कर रहा है लड्डू। बेटा ऐसे कर दो उसके गाल उस पे, नीचे गले पे। तो भैया चाय पी रहे हैं, लड्डू लच्छ का दूध ठंडा हो रहा है। भैया सुबह ही आ गए थे और अर्ली मॉर्निंग, और ये भी चाय पी रहे हैं। हेलो, ऑफिस जाओगे आज? ऑफिस और हेमा को आ रहा है आज फीवर, तो हेमा आज जल्दी आ गई थी, हेमा को फीवर आ रहा है इसलिए। और हेमा से मैंने बोला रेलिंग मैं कर दूंगी, और आज मैंने रेलिंग करी, मेरा झगड़ा हो गया पड़ोसन से। पड़ोसन बहुत चालाक है हमारी, मतलब हमारी तरफ कचड़ा कर देती है और पानी डाल देती है, अगर थोड़ा भी पानी चला जाता है तो लड़ जाती है। चलिए चलते हैं, अब क्या करते हैं। मैं भी चाय पीती हूँ। हेमा चाय रखी है, और चाय चाहिए? हाँ, किसकी लोकेशन देख रहे हैं ये आपकी? लड्डू कौन आया है बेटा? शैतान हो गया बच्चा, कमजोर हो गया ना, आप आए थे तब से कमजोर हो गया, उल्टियां कर रहा है, तो हो रहा है ना? दो दिन से उल्टियां कर रहा है, बड़ा हो गया है। हाँ। उल्टियां कर रहा है दो दिन से। भैया को दे दो बिस्किट। भैया ड्यूटी अभी जाओगे? खाना खा के चले जाते फिर। अच्छा लड्डू, भैया जा रहे हैं, बेटे चाचा जा रहे हैं। लड्डू बाय, ले आयो, लड्डू बाय, फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है भैया? फिर मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे। चलो सूज कहाँ है आपके? लड्डू लड्डू लड्डू। पतिदेव का टिफिन हो चुका है रेडी, भैया जा चुके हैं, आ जाओ। ये लो, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है लड्डू? चलो लड्डू का भी खाना बन गया, उसको खाना खिलाती हूँ। यार इसका क्या हो रहा है, दो दिन में इतना कमजोर हो गया, उल्टियाँ कर करके। लड्डू, उसकी निगाह खाने पे है, लड्डू लच्छ के खाने पे उसकी निगाह, उसको भी खिलाऊंगी खाना। बेटा मम्मा का राजा, मम्मा की रानी, गिर ना जाए वो, उधर रख दो, मैं आ रही हूँ। लो टिफिन पकड़ो अपना, लाओ मुझे काम करने दो अपना, ये पकड़ो यार, सच में गिर ना जाए वो। गुड इवनिंग एवरीवन, पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। ये अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑफिस से आने के बाद भी ये काम करते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लक्ष्य और लड्डू दोनों सो रहे हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ सबके लिए चाय, क्योंकि ये चाय का समय है। तब तक मैं सोच रही हूँ बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि हेमा की तबीयत है ख़राब। उसने बोला दीदी शाम को नहीं आऊँगी, मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अच्छे से इलाज करवाओ। तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं
और हमारी चाय भी बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए पतिदेव को दे देते हैं चाय और उनका चल रहा है कॉल। जब उनका कॉल चलता है तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मज़े लेती हूँ क्योंकि उनको चिढ़ाती हूँ, इसलिए तो बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ मेरा कॉल चल रहा है। मेरा गंदा बच्चा और ये मेरी शैतान बच्ची मम्मा की शैतान बच्ची। मम्मा खाना बना के आई है, मेरे बेटा मेरी वेट कर रही थी, ऐसी गुंडी छोटी छोटी बच्ची गुड़िया रानी मेरी। ये लड़ बच्चे कभी कभी आंखें ऐसे कर देते हैं ना तो हम डर लगने लगता है, बट मुझे बाद में पता लगा मम्मी बता रही थी बच्चे कभी कभी ऐसे कर लेते हैं। बेटा बच्चा मम्मा पापा पापा गुड नाइट। मेरी बच्ची चलो बाय गुड नाइट। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, ये लेके आए हैं आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी तो लड्डू इतना ज़्यादा रो रहा था आइसक्रीम खाने के लिए बहुत ज़्यादा, देखो इसकी हरकतें कैसे कर रहा है यार। तो मैंने इसको खिला दी, ये तो मना कर रहे थे, मैंने बोला सब चीज़ खिलानी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कुछ नहीं होता। इसको मत दो, इसको मत दो, अब तुम खाओ। अरे तुम खाओ, तुम जाओ, लक्ष्य तुम जाओ। लड्डू ऐसे मुझे तो कभी नहीं पड़ा है। है एवरीवन, रात के 12:10 हो रहा है और देखो लड्डू क्या कर रहा है, क्या हो गया लड्डू। और लड्डू रेड कपड़े पहने थे, रेड टी शर्ट, मेरे से हो गए कांड। मैं इसकी दवाई देती हूँ, दो दवाइयाँ हैं ना, ये दवाई देती हूँ तो सारी दवाई मेरे से दो बार फैल गई इसकी दवाई। क्या हुआ बेटा, लो ये लो ये लो ये, अभी इतना शैतान हो गया पलटता है, लो ये लो, अभी ये पलटता है। और ये मेरे चश्मा साफ कर रहे हैं, तो अभी मैं अभी बेडशीट चेंज करी है क्योंकि बेडशीट भी गंदी हो गई थी, दवाई का निशान हो जाता है क्योंकि पुरानी वाली बेडशीट थी ना, पिछले वाली जो हमारी फैल गई थी दवाई, वो अभी तक साफ़ नहीं हुई है, इसलिए मैंने तुरंत ही साफ कर दी इसकी टी शर्ट उतार के नई वाली, और वो बेडशीट तो अभी साफ भी हो गई। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। और लड्डू को हम सुलाते, पता नहीं कब तक सोएगा, ये इसने हरकत है इसकी इतनी बढ़ गई है, लात मारता है, मैं इसको दवाई देती हूँ लात मारता है इसलिए फैल जाती है, क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं कहीं और मुंह फाड़ती हूँ। बकवास देखो देखो इसकी हरकत है। तो हमारे लड्डू ने तंग करके रखा, ये आ गया बाहर रेलिंग पर। लड्डू देखो नोटिस कर रहा है सारी चीज़ें। लड्डू छोटी छोटी पहिया मेरे बच्चे की। लड्डू आ जाओ। तो लड्डू की शैतानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हेमा को इतना परेशान करता है ना, बहुत ज़्यादा, हेमा के पीछे पीछे इसको जाना है, तो देख सकते हो आप क्या हरकतें हैं इसकी। तुरंत निकल जाता है रेलिंग पे, थोड़ा सा गेट ओपन हुआ निकल जाता है। अभी हो रहा है दोपहर का समय, पतिदेव सुबह थोड़ा सा सामान लेके आए हुए थे, घर का चूक ख़त्म हो चुका था तो ये सारा सामान लेके आए हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य इनको ओपन कर रहा है, निकाल के रख रहा है, क्योंकि ये आजकल मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देता है, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो गया है ना, इसलिए लड्डू का भी बहुत ख्याल रखता है।
होता है, अगर लक्ष्य नहीं होता ना सच में बड़ी प्रॉब्लम आती। और आज पतिदेव का था व्रत, इसलिए हम लोगों ने बनाए हुए हैं पोहा लंच में। हम लोग ऐसा ही करते हैं मैं और लक्ष्य। लड्डू बेटा कैसे सो रहा है? मेरा बच्चा उल्टा होके सो रहा है, इसको सीधा करती हूँ, बहुत टाइम हो गया। आराम से बेटा, लग जा रहा है दूध देने के लिए, दूध की मतलब डोलची देने के लिए। इन बच्चों के लिए चाहे जितने भी खिलौने लेके आ जाओ, लेकिन खेलना इनको बर्तन से ही है। आप लोग देख सकते हो, कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, चम्मच हो गई, इनके लिए इतना रोता है ये खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा। सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, मुझे तो पता है। देखो देखो इसको, इसलिए बच्चों के लिए खिलौने नहीं, बर्तन लेके आओ खेलने के लिए। सच में ये लो लड्डू, लड्डू देखो मैं रोएगा इसको। ये रही ये लो मैंगो ले लो, इसमें मैंगो रख लो। है बेटा आम रख लो, इसमें रख लो। मेरी किचन में सब्जी बन रही है, मैं कैसे जाऊँ इसको छोड़ के, वरना गिर जाएगा ये। चारों तरफ इसकी तकिया लगा के जाती हूँ। लड्डू लड्डू, गाड़ी कहाँ है? इतना हैप्पी, देखो देखो इतना खुश हो, उसके हाथ में नहीं लग जाए। A few moments later. तो फाइनली लड्डू सो गया है, और इतना परेशान करता है, इतना रोता है ना ये, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इसे मैं नहला के लेके आती हूँ तभी इसको नींद आ जाती है, ये सोता नहीं है। सुबह उठता है उसके बाद से, जब ये नहा लेता है ना तब सोता है। तो आप लोग देख सकते हो ये सो गया है, और आज मैंने इसको ये नई वाली कैपरी पहनाई है, ये वाली, ये मेरी दीदी लेके आई थी दो कैपरी, तो वही मैंने पहनाई हुई है, प्योर कॉटन की है। पहले ये बहुत बड़ी थी, मम्मी लेके आई थी उस टाइम पर, बट अभी मैंने अब पहनाई है क्योंकि अभी एकदम फिट से आ रहा है। और देखो इसकी पायल है, मुझे तो बहुत क्यूट क्यूट लगती है इसकी पायल। चलो इसको सोने दो, मैं दोनों साइड तकिया लगा देती हूँ, उसके बाद बनाने जा रही हूँ मैं खाना लक्ष्य के लिए। लड्डू लड्डू मेरी बच्ची लड्डू। तो घर पे कुछ ज़्यादा सब्जी थी नहीं, एक शिमला मिर्ची थी, थोड़ी सी बीन्स थी, तो आलू मिक्स करके मैंने सब्जी बना दी। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है भाई? इसको मैच बहुत ज्यादा पसंद है। ओ क्या है बेटा, यार इसको बड़ा पसंद है मैच बहुत पसंद है इसको। लड्डू क्या हो रहा है बेटा? ओ बेटा लड़की लग रही है। ओ क्या हुआ मेरे बच्चे को? ओ क्या हुआ? रायता बनाऊं? रायता नहीं, दही से खाओगे साथ में? सब्जी बन चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बनाने जा रही हूँ मैं पनीर की सब्जी, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना है, लड्डू को निलाना है। मैं नहा चुकी हूँ, और ये मैंने पनीर कट कर ली है, ये मटर है, और ये है घी हमारा, लोहे की कढ़ाई है इसलिए आपको काला लग रहा होगा। मसाला बनाऊंगी साथ में ही, चलो बना लेते हैं सब्जी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मेरा बच्चा क्या हुआ?
वेटा वेटा वेटा। A few moments later. हेलो लड्डू। लड्डू हमारे आज पीछे वाली रेलिंग पे आया, फर्स्ट टाइम वॉकर चला रहा है। वैसे तो सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर देखता रहेगा, घूमता रहेगा। अभी लड्डू 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 मैं खाना बनाने के बाद इसको निलाऊंगी। इसने खाना नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया था। बाय लड्डू। सैंडल पहना दिया मैंने, वैसे तो हेमा साफ करके गई थी, बट फिर भी गंदगी तो रहती है ना, इसलिए मैंने सैंडल पहना दी है। लड्डू को अच्छा लग रहा है, इतना हैप्पी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। बाय बाय बेटा, बाय बाय। तो हमारी सब्जी बनके हो चुकी है तैयार, आप लोग देख सकते हो। और बिना धनिया पत्ती के मुझे कोई भी सब्जी हो अधूरी लगती है, तो अभी मैंने धनिया पत्ती मंगवाई हुई है इनसे। और आजकल धनिया जल्दी सड़ जाते हैं, वैसे जल्दी परसों ही लेके आए थे बट सड़ गए, थोड़े ही मैंने यूज कर पाए थे। तो चलिए धुल के इनको हम डाल देते हैं, उसके बाद बनाते हैं रोटियाँ। तो हमारे पानी में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अगेन फिर से भैया को बुलाया हुआ है, तो ये चेक कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा भड़क रहे थे कि हम पागल हैं क्या, यही काम रह गया कि हम लोग। तो पतिदेव का टिफिन हो चुका है रेडी, हम इसको रख के आते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लेके आएंगे ये तुरंत निकल जाएंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं हम टिफिन उनका, और अब हम लड्डू को देखते हैं क्या कर रहा है। लड्डू लड्डू भाई साहब। A few moments later. तो नहाने का समय आया और मेरा लड्डू सो गया, और आज नहाया भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि सो जाने दो, उसके बाद ही नहलाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चों की जब नींद ख़राब हो जाती है तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए बेचारा कालीन पे ही सो गया, तो मैंने पिलो लगा दी है उसकी, और सो जाने दो उसको, मैं खाना खा लेती हूँ। तब तक उसके बाद ये जाग जाएगा तो मैं नहला दूँगी।